हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे आईसी गेहूँ। लेकिन पढ़ने से पहले देखिए, पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, मुझे एक माइक लेना है और माइक है लगभग 4000 का, जिससे जो मेरी वॉइस है ना, जो आवाज़ आपको आती है वो थोड़ी और क्लियर आएगी। तो इसलिए मैंने QR कोड लगा रखा है, जो भी पैसे इकट्ठे हो रहे हैं मैं इकट्ठा करूं, जिस दिन हो जाएगा उस दिन ले लूँगा। चलिए, अभी रिसोर्सेज की मेरे पास बहुत कमी है। चलिए, और मैंने आपको ज़बरदस्ती नहीं बोला, आपका मन करे तो ही आप पे करिए। देखिए, हीरा अंकुशे जी जो क्लास 5 में इनका बच्चा है, उनका नाम है शिवम अंकुशे और इन्हें मुझे 50 रुपीज़ पे किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का सेट बी 2021 का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच सिस्टम इन आवर बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल इन आवर बॉडी? तो देखिए, इसका आंसर क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका आंसर है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ये काम क्या करता है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है ब्लड के माध्यम से, और सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका क्या क्या आता है? हार्ट, वेंस, ये सारी चीज़ें आती है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपका लंग्स आता है, नोज आती है। एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब कि ऐसी चीज़ें जो हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर निकाला जाता है, वो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम में आता है, जैसे कि आपका किडनी। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हमारा खाना पचने, तो माउथ से हमारा खाना पचना शुरू होता है। सबसे ज़्यादा खाना पचता कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फूड कंटेन द मोस्ट एनर्जी? सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको कहाँ पर मिलती है? तो ये आपको मिलती है फैट्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको मिलती है। प्रोटीन्स, ये दोनों प्रोटीन का काम करते हैं, एग और मीट। प्रोटीन क्या करता है? हमारी जो सेल्स होती हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। और ये आपके विटामिन से, ये हमको जो डिजीज़ होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, बीमारियों से दूर रखते हैं। कौन? ये फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर नॉट डन इन? तो ऑयल और विनेगर मतलब सिरका होता है, एसिटिक एसिड जिसे कहते हैं, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो डन नहीं की जा सकती? तो है आपका जैम्स। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, जैम। बाकी फिश, पिकल और वेजिटेबल्स आपके ये प्रिजर्वेशन मेथड से किए जाते हैं। 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्री फ्लोटिंग प्लांट? तो ऐसा प्लांट जो फ्री का मतलब क्या था? फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं डकवीड। क्या बोलते हैं? डकवीड बोलते हैं। और जो आपका टेप ग्रास है, ये सबमर्ज्ड होता है। सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है? ये पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ रहता है। और ये दोनों भी आपके एक्वेटिक प्लांट है, और हाइड्रिला भी आपका सबमर्ज्ड होता है पानी में अंदर। लोटस आपका फिक्स प्लांट होता है, ये बाहर भी आपका दिखता रहता है। विच इज़ द लार्जेस्ट फिश इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे बड़ी फिश कौन सी है? तो ये है आपकी ग्रीन लैंड शार्क, बास्किंग शार्क, वेल शार्क या ग्रेट वाइट शार्क। तो इसका आंसर है वेल शार्क। इसका आंसर हो जाएगा बी। और वेल शार्क आपका मैमल होता है। 6 नंबर, ईस्ट विच कैन यूज टू मेक डो फॉर योर फेवरेट पिज्जा द टाइप ऑफ? तो जो पिज्जा का डो बनाया जाता है, जो आटा बनाया जाता है गूंद के, उस वो किस प्रोसेस से होता है? तो ये होता है आपका फंगस से। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, फंगस। बर्ड शोन इन द पिक्चर द नेशनल बर्ड? तो ये बर्ड जो है, इसका नाम है ईमू, और ईमू कहाँ का? ये फ्लाइटलेस बर्ड है। ये चिड़िया उड़ नहीं सकती, तो ये कहाँ की है? तो ये है आपकी जापान, सॉरी, ये कहाँ की है आपकी? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। और यहाँ पे एक चिड़िया और पाई जाती है जो उड़ नहीं सकती, वो है आपकी कीवी। ये नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल का मतलब ये होता है कि ये चिड़िया सिर्फ और सिर्फ रात में एक्टिव होती है, उसे हम कहते हैं नॉक्टर्नल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, पोर्ट लुविस इज द कैपिटल सिटी ऑफ? तो पोर्ट लुविस किसकी कैपिटल है? तो ये है दोस्तों मॉरीशस की। मॉरीशस आपका कहाँ पे है? ये आपका इंडियन ओशन में है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, वो आपका यहीं पे हुआ है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। एफिल टावर भी यहाँ पे है। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन।
बर्लिन, और कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। क्वेश्चन नंबर 9, ए मिथिकल क्रिएचर विथ लायंस हेड एंड द बॉडी ऑफ फिश इज सोन इन द पिक्चर। इट इज वाइडली यूज द मैस्कॉट एंड नेशनल पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ कंट्री विच इज दिस। तो ये क्या है, ये कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों आपका सिंगापुर। कहाँ पे? सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। चाइना की है बीजिंग, और थाईलैंड की क्या है? बैंकॉक। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। तो मिल्क का कर्ड में किससे कैसे बदलता है? तो ये आपका बदलता है बैक्टीरिया से, और कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। ए डे ऑन दिस प्लैनेट लास्ट लॉन्गर देन ईयर विच प्लैनेट लुकिंग अबाउट। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जहाँ पे एक साल, जो एक दिन वहाँ का एक साल के लगभग बराबर होता है? तो ये है आपका वीनस। यहाँ पे जो एक दिन होता है ना, वो अर्थ के 243 डेज के बराबर है। 243 डेज के बराबर है। वीनस को हम क्या कहते हैं? वीनस को हम कहते हैं अर्थ की जुड़वा बहन भी कहते हैं, सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं, शाम को दिखाई भी देता है। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, और मार्स रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसके पास दो मून है, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिलीज इंडस्ट्रियल वेस्ट इन टू वाटर बॉडी। अगर पानी रिलीज करेंगे वाटर में, नदियों में, इंडस्ट्री का, तो क्या वो पानी साफ रहेगा? नहीं। थ्रोइंग प्लास्टिक इन द वाटर बॉडीज, ये भी गलत बात है। ट्रीटिंग सीवेज वेस्ट बिफोर डिस्पोजल, तो पानी को डिस्पोज करने से पहले उसे हम ट्रीट करते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस बाय द लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा आपके जानवर रहते हैं वहाँ से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है? तो वो है आपकी मीथेन। क्या है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑर्गन गैस कहाँ पे यूज की जाती है? जो हमारे घर के बल्ब होते हैं उनमें यूज की जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है, CO का फॉर्मूला है। ये गैस बहुत ही खतरनाक होती है, अगर ये गैस आपके बॉडी में प्रवेश कर जाती है तो आपका दम घुटने लगता है, क्योंकि ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, जल्दी से जल्दी मिक्स हो जाता है, और बहुत ही 200 टाइम्स इसकी कैपेसिटी होती है ब्लड के साथ मिक्स होने की, और ये ब्लड को क्लॉट कर देता है, जिससे आपका दम घुटने लगता है और आपकी मौत हो जाती है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? दम घोटू गैस। क्या नाम है? दम घोटू गैस। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर कैन बी कॉज्ड बाय सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से किस डिजास्टर से सॉइल इरोजन होता है? तो इसका आंसर है आपका फ्लड से, यानी कि जब बाढ़ आती है तो उससे आपका क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। 15 नंबर, फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट ऑप्शन, द हाउस इज क्लीन एज। तो किस क्लीन एज के साथ हम कौन सा यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं विसल। विच ऑफ द फॉलोइंग द विंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऐसा कौन सा जो फूंक के बजाया जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये फूंक के बजाया जाता है, हवा के द्वारा बजाया जाता है। ये दोनों आपके क्या हैं? स्ट्रिंग हैं। यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग लगा होता है, और ये आपका क्या है, जब इस पर हम प्रेशर डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसको मतलब हाथ से प्रेशर से फोर से बजाते हैं, ठीक है, फोर से बजाते हैं। चलिए 17 नंबर, When did India host the Commonwealth Game? तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट कब किया था? 2014, 2010, 2010 या 2008? तो इसका आंसर है 2010, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए यहाँ पे आपको लेटर दिया गया है, इसके हिसाब से आपको ठीक करना है। तो पहले हम लिखना शुरू करेंगे, 5 पे है ई, 1 पे है पी, 2 पे है एस, 3 पे है एस, और 4 पे है ई। तो क्या ये कोई वर्ड बन रहा है? नहीं। बी पे देखते हैं, बी पे 3 नंबर पे क्या है? एस, सेकंड पे डब्लू, 4 पे ई, ई और पी, स्वीप। स्वीप वर्ड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पैरामीटर फाइंड करना है, तो बहुत ही इजी है। कैसे? पैरामीटर आप यहाँ से शुरू करिए, आप यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल 16 है, और एक बॉक्स की जो लेंथ है वो कितनी है? 2, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। पैरीमीटर का मतलब क्या होता है? कि चारों तरफ की बाउंड्री कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, इसी को कहते हैं पैरीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क के बारे में यहाँ पे कौन सा गलत दे रखा है, देखिए, When not in use, you should kept it inside cover. जब आप यूज नहीं करते हो तो उसे आप कवर में रख दीजिए. Don't write pen with pencil shiny side of CD. Shiny side जो चमकदार तरफ का होता है उसकी तरफ हमें नहीं लिखना चाहिए, ये भी ठीक है. You can stick sticker on the shiny. देखिए ये गलत चीज़ है, हमें shiny side में किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और ना ही स्टिकर इसमें चिपकाना चाहिए. तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, करंट अफेयर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है. तो देखिए 2024 चल रहा है तो 2024 में भी कौन है, केपी शर्मा ओली. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपी शर्मा ओली 2024 में भी हैं. मतलब कि अगर आप इस ईयर भी ये पढ़ रहे हैं, अगर क्वेश्चन आ गया तो यही सही हो जाएगा. अगला है वर्ल्ड बुक डे इस एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज बाई यूनेस्को. यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है आपका दोस्तों पेरिस में, ये आप ध्यान रखेंगे. वेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड बुक डे एवरी डे. तो वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 23 अप्रैल को. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को. क्या मनाया जाता है, इंडियन नेशनल साइंस डे. क्या मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग फॉलोइंग द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. तो देखिए जब ये पेपर हुआ था तो कौन थे, उद्धव ठाकरे थे. लेकिन अभी अगर 2024 चल रहा है, देखिए आज मैं बता दे रहा हूँ आज कितना है, 18 सितंबर सुबह के 6 बजे हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. 2024 में अभी कौन है, एकनाथ शिंदे हैं. और अरविंद केजरीवाल अभी जस्ट कल इन्होंने इस्तीफा दिया है 17 सितंबर को. और हर्षिता जो है वहाँ की मुख्यमंत्री बनेंगी, जो तीसरी महिला होंगी दिल्ली की. पहली महिला दिल्ली की कौन थी चीफ मिनिस्टर, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सुषमा स्वराज पहली महिला थी जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी थी. और दूसरी महिला कौन थी, दूसरी महिला आपकी थी शीला दीक्षित. कौन थी, शीला दीक्षित, ये ध्यान रखेंगे. और तीसरी है हर्षिता जो आज शपथ लेंगी, मतलब कि 18 सितंबर को. एकनाथ शिंदे जो हैं ये महाराष्ट्र के हैं. और ममता बनर्जी कहाँ की हैं, वेस्ट बंगाल की हैं. अमित शाह कौन है, हमारे होम मिनिस्टर हैं. चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं. अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ओलंपिक में किसने मेडल जीता था. तो इनका नाम है मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर ए. 25 नंबर, नेशनल फुटबॉल टीम ऑफ इटली यूरो 2020 हुई द कैप्टन ऑफ दिस टीम. तो ये उसी टाइम की बात हो रही है, मैं करंट का नहीं बता रहा हूँ कि करंट में कौन है. तो इनका नाम है जॉर्जियो चिलेनी. क्वेश्चन नंबर 26, ए बुली इज अ पर्सन हु, जो बुली करता है वो क्या है. तो देखिए यूजेस हिज पावर टू हर्ट समवन हु इज वीकर, यानी कि दूसरे को चिढ़ाना. 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू काम डाउन इफ़ यू आर एंग्री ड्यू टू सम रीज़न. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा ब्रीद इन एंड आउट स्लोली फॉर फ्यू मिनट्स. तो आप सांस लेंगे धीरे से, अंदर लेंगे धीरे से, धीरे छोड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, आप काम डाउन हो जाएंगे, आपका गुस्सा कम हो जाएगा. 28 नंबर, वन ऑफ योर क्लासमेट्स हैज़ ओन चेस चैम्पियन. अगर आपके क्लासमेट ने चेस चैम्पियन जीत रखा है तो आप क्या करेंगे, तो आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट बोलेंगे, आप उसको बधाई देंगे, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 29, वाइल प्लेइंग इन स्कूल प्लेग्राउंड इफ़ यू एक्सीडेंटली किक और थ्रो ए बॉल ओवर ए हाई फेंस यू शुड. देखिए अगर आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं और जो आपने बॉल है उसको बहुत तेज़ी से थ्रो कर दिया और बॉल बहुत ज़्यादा हाई चली गई, फेंस के ऊपर चली गई, तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको रिपोर्ट करना है अपने टीचर को. मतलब कि जैसे स्कूल के बाउंड्री के बाहर चला गया, इस में आप अपने टीचर को कांटेक्ट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ यू कैन नॉट प्ले आउटसाइड ड्यू टू सम रीज़न व्हाट शुड यू डू कीप योरसेल्फ फिट. तो आप कैसे फिट रह सकते हैं, देखिए
डू सम स्ट्रेचेस डांसेस एंड योगा। तो आप अगर डांस करते हैं योगा करते हैं तो इस तरीके से आप अपने बॉडी को क्या रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि क्या है। देखिए, रणजी ट्रॉफी इज अवार्डेड इन द गेम ऑफ क्रिकेट, तो बिल्कुल ठीक है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दिया जाता है। विम्बले स्टेडियम इज फुटबॉल स्टेडियम लोकेटेड इन लंदन, तो ये बात भी ठीक है, ये जो विम्बले स्टेडियम है फुटबॉल के लिए। एट ओलंपिक गेम्स पार्टिसिपेंट होस्ट कंट्री लीड द मार्च पोस्ट, तो ये आपका गलत है। ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट इज एन अदर नेम ऑफ एथलेटिक्स, तो इसे एथलेटिक्स बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से हम किसे जानते हैं, तो हम जानते हैं स्विट्जरलैंड को, तो जगह 3 नंबर। द लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा, तो गोल्डन पगोडा के नाम से हम जानते हैं म्यांमार को, तो जगह 1 नंबर। लैंड ऑफ कंगारू के नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को, 4 नंबर। लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जानते हैं किसे, नॉर्वे को, तो जगह 2 नंबर। 3142 आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, क्रैकल क्रैक क्रिकल रिफर साउंड टू मेक, तो देखिए क्रैकल साउंड कहाँ पे आता है, तो क्रैकल साउंड आपका आता है फायर में, जब आग जलती है तो क्रैकल साउंड आता है। और क्रीक साउंड कहाँ पे आता है, जब डोर खुलता है। और क्रिंकल साउंड कब आता है, जब प्लास्टिक हम तोड़ते हैं, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर, ए बैग कंटेन 5 रेड 10 ब्लैक एंड 15 ऑरेंजेस, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बटन्स आर ब्लैक। देखिए, पहले तो सभी बटन को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 रेड, और उसके बाद क्या है, ब्लैक बटन है कितना, 10, और ऑरेंज बटन कितना है, 15, तो 15 और 10 20 कितना हो जाएगा, टोटल 30, कितना हो जाएगा, टोटल 30। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, ब्लैक का फ्रैक्शन बताया, ब्लैक है आपका 10 और टोटल है 30, तो कितना हो जाएगा, 1/3। ए पहला वाला यहाँ पे हो गया, सेकंड वाला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ रेड एंड ऑरेंज, तो रेड और ऑरेंज कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है, तो यहाँ पे आप 10 लिखोगे, और टोटल कितना है, टोटल 30 है, तो इसका भी फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/3, तो दोनों का 1/3 आएगा, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कैसे, इफ यू कैन शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम योर वन कंप्यूटर अनदर, तो ये बिल्कुल ठीक है, हम कंप्यूटर से एक जगह से दूसरी जगह को चीज़ें शेयर कर सकते हैं। यू कैन स्टोर फाइल ऑन वन कंप्यूटर एंड कैन नॉट एक्सेस इट फ्रॉम अनदर कंप्यूटर, देखिए अगर आप नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये आपका गलत तरीका है, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सही है स्टेटमेंट नंबर 1, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, वीडियो को कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो QR कोड लगा है ना, मुझे एक माइक खरीदना है जिससे मेरी आवाज़ जो है आपके पास जो पहुँचती है वो और अच्छे से पहुँचे, तो वो लगभग 4000 का, और मेरे पास लगभग 1800 रुपीज़ लगभग इकट्ठे हो गए हैं, तो आप लोग हेल्प करेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी इसको ले लूँगा, जिससे मेरी आवाज़ आपको और क्लियर आएगी, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज की बहुत कमी, यूट्यूब से मुझे इतने पैसे नहीं मिलते, ये बात आपको पता ही है, बार बार बताता हूँ, तो जैसे भी चीज़ें होंगी मैं अपने चीज़ों को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करूँगा। हम फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और देखिए, अगर आपका मन करता है तो ही आप पे करिए, आपका मन नहीं करता तो आप पे मत करिए, मैं कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं कहता। फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।